घटना 1943 की है। बाबा फतेहगढ़ आए, वहाँ एक बूढ़े दंपति का लड़का बर्मा की लड़ाई में गया हुआ था। बाबा जब उनके घर पहुँचे तो इस दंपति ने उनका यथाशक्ति सत्कार किया। बाबा ने सोने की इच्छा व्यक्त की तो उन्हें एक चारपाई दे दी गई। वे सोए, लेकिन पता नहीं क्यों उन्हें नींद नहीं आई और वो सुबह 4 बजे तक चारपाई पर पड़े पड़े कराहते रहे। जब 4:30 बज गए तब जाकर उन्हें चैन आया। फिर उन्होंने चारपाई से चादर उठाई और उसमें कुछ लपेटते हुए वृद्ध सज्जन से कहा, इसे गंगा में ले जाकर फेंकाओ, खोल कर देखना मत। फिर बोले, ये काफ़ी भारी है, इसे छिपाकर ध्यान से ले जाना, वरना पुलिस की निगाह पड़ जाएगी तो तुम गिरफ्तार कर लिए जाओगे। इस तरह ले जाना कि तुम्हें कोई देखे नहीं। जब वे सज्जन उस पोटली को गंगा की तरफ ले जा रहे थे तो उन्हें छूने से ऐसा लगा जैसे इसमें गोलियां हैं। उस पोटली को गंगा में फेंक कर वो सज्जन जब लौटे तो बाबा ने उनसे कहा, घबराओ मत, तुम्हारा लड़का 1 महीने में लौट आएगा। बाबा द्वारा बताए गए समय पर वो लड़का लौट आया। उसने अपने माता पिता को बताया कि वह तो करीब करीब मर ही चुका था। उसकी सैनिक टुकड़ी पर दुश्मन की फौज ने घात लगाकर हमला कर दिया था और संयोग बस वो खाई में गिर पड़ा। गोलियां उसके शरीर के दोनों ओर से निकल रही थी और वो बचता रहा। दुश्मन की फौज वहां से चली गई और वो सकुशल बच गया। 4:30 बजे वहां भारतीय जवान पहुंचे और उन्होंने उसे खाई से निकाला। उस टुकड़ी में से वही एकमात्र अकेला बचा था। इस घटना के उसी रात की थी जिस रात बाबा जी फतेहगढ़ आए थे और वो जवान के वृद्ध माता पिता के घर ठहरे थे और रात भर कराहते रहे। इस तरह बाबा ने मृत्यु को भी उसके बेटे की वापस लौटा दिया। जय हो नीम करोरी बाबा की जय हो, माँ सिद्धि की सदा जय हो। बाबा सदा भक्तों का कल्याण करना प्रभु, कल्याण करना प्रभु। जय हो बाबा, जय हो सदा जय हो।